दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उस अकाउंट के अंदर आपको एक रुपये भी मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े और घर बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ही बैंक में हम आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इससे पहले आपने बहुत सारी बैंकों में ट्राई किया है अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा मेंटेन करना पड़ रहा है, इस वजह से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपने ठीक सुना हुआ है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से आपको एक रेगुलर सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके अंदर मिनिमम बैलेंस के साथ में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और ज़्यादा रुपए भी मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ये वाला अकाउंट जब आप ओपन करेंगे, इंस्टेंट ही आपको वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना होगा और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेपर अगर है तो आपका इसके अंदर सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन दोस्तों यही वाला अकाउंट अगर आप बैंक जाकर ओपन करवाना चाहते हो, तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, बहुत सारे आपको फॉर्म फिल कराए जाएंगे और अकाउंट करवाते समय पर यहाँ पर आपसे 500 रुपये से 1000 रुपये का चार्ज ले लिया जाएगा, तब जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा। यहीं पर आप मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर अपने स्मार्टफोन के थ्रू घर बैठे अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देन इसके बाद में आप इसके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और 50 पन्नों की चेकबुक आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके डेबिट कार्ड के थ्रू आप सभी UPI बैंकिंग एप्लीकेशन को तो यूज ही कर सकते हैं। अगर यहीं पर इसके डेबिट कार्ड के थ्रू ATM विड्रॉ करते हैं तो आपको 30,000 रुपये की लिमिट मिल जाएगी। यहीं पर ऑनलाइन या फिर POS ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 75,000 रुपये की लिमिट देखने को मिल जाएगी। अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो एक साल का आपको यहाँ पर 250 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर खो जाता है, डेबिट कार्ड को रीइश्यू करवाओगे तभी आपको 250 रुपये का ही चार्ज देना पड़ेगा। तो हमारी समझ से अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर आंख बंद करके अपना एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करने का मात्र 5 मिनट लगेगा और आपका सक्सेसफुल बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है, तो वीडियो को पूरा देखना। आप दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेज को आप थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे तो नीचे आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं आपको ओपन सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहां पर नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों नो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं आपको पूरी यहां पर डिटेल बताई गई है, क्योंकि जो इसके अंदर हम अकाउंट ओपन करेंगे इसके अंदर यहां पर डेबिट कार्ड भी मिलेगा, चेकबुक हमें देखने को मिल जाएगी, यहां पर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को भी हम चालू कर सकते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे और यहाँ पर बैंक की तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी, तो दोनों बॉक्स पर आपको यहाँ पर चेकआउट कर देना है। जैसे चेकआउट करेंगे यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पर भी चेकआउट करेंगे और इसके बाद में लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोकेशंस को अलाउ करने के लिए ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों किस लैंग्वेज के अंदर अपने बैंक अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो अपने लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सेलेक्ट स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप सबसे ऊपर ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सेविंग अकाउंट पब्लिक का ऑप्शन मिल रहा है, इस अकाउंट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपको ज़्यादा रुपए मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ अकाउंट की डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं ये रेगुलर सेविंग अकाउंट रहेगा, इसके अंदर लो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर और इसके बाद में दोस्तों नीचे ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे किस ब्रांच के अंदर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, अपनी ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस मोबाइल नंबर से आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा इंटरफेस आ जाएगा और वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर अपने एक ईमेल एड्रेस को टाइप कर देना है। यहाँ पर ये कैप्चा मिलेगा, ये कैप्चा इस बॉक्स में आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देना है और आप अपने पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसका साइज ध्यान रहे कि 5 MB से कम होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अपना आधार नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर अपना एक पैन नंबर को टाइप करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों देखने को मिल जाएगी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ टाइप कर देना है, आपकी कंट्री मिल जाएगी और यहाँ पर अपने जेंडर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पेज को ऊपर को बढ़ाएंगे, देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं आपका सिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है सेलेक्ट करेंगे, अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, अपने पिताजी का नाम टाइप करेंगे, माताजी का नाम टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैरिड या फिर अनमैरिड है सेलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पाउस नेम टाइप करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लेडीज़ हैं तो अपना हस्बैंड का नाम टाइप करेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी वाइफ का नाम इस कॉलम में टाइप करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर सोशल स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके अपने स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे। रेजिडेंटल स्टेटस क्या है सेलेक्ट करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आप क्या काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो भी दोस्तों आपकी टोटल इनकम हो वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, एक साल में कितने पैसे आप यहाँ पर कमा लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पर्पज ऑफ ओपनिंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको एक सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस या आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है तो इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और आपको एड्रेस फिल करना नहीं पड़ेगा। बाय द वे अगर आपका आधार कार्ड के सिवाय कोई दूसरा एड्रेस है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके उस दूसरे एड्रेस को आपको फिल करना पड़ेगा। फाइनली अगर यही है तो इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसके बाद में अकाउंट के अंदर अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ आपको नॉमिनी की डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले नॉमिनी का नाम टाइप करेंगे और अकाउंट होल्डर का और नॉमिनी का रिलेशन क्या है वो यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, आपकी एज क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। बाय द वे अगर नॉमिनी आप ऐड कर रहे हैं और नॉमिनी आपकी माइनर है तो इस वाले बॉक्स पर आपको चेकआउट करना होगा और नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में हम जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो नॉमिनी बाद में ऐड कराना चाहते हैं तो इसलिए हमने नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब बैंक की तरफ से यहाँ पर एक सेल्फी कैप्चर करवाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको ये जो सर्किल देखने को मिल रहा है, इस सर्किल में आपको चेहरा करना होगा और आपको अपनी एक फ़ोटो को क्लिक करना होगा। ठीक है, अच्छी से फ़ोटो क्लिक करना है, मतलब चेहरे को चारों तरफ आपको इस सर्किल के अंदर घुमाना होगा। इसके बाद में ही आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो यहाँ पर इसके लिए अलाउ करेंगे। अब इसके बाद में फाइनली हमारी पिक्चर की ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इंडियन ओवरसीज बैंक के जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, मोबाइल बैंकिंग चाहिए इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, डेबिट कार्ड चाहिए तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, अगर आपको 50 पन्नों की चेकबुक चाहिए तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर समरी पेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो मिल जाएगी और अभी तक की आपने जो भी अपने डिटेल्स को फिल करा है सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना, कहीं आपने कुछ भी गलत तो फिल नहीं किया। फाइनली पेज को ऊपर बढ़ाने के बाद में आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अगर आपने कुछ भी गलत करा है तो बैक टू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सही कर सकते हैं, या फिर दोस्तों बिल्कुल आपने पूरे फॉर्म को फिल करा है तो आप कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर हमारा सक्सेसफुल बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है और बैंक की तरफ से हमें एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। यहीं पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन PDF का ऑप्शन मिल रहा है, आप क्लिक करके आपने जो पूरे फॉर्म को फिल करा उसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपको यहीं पर इंस्टेंटली वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना है तो प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो कॉल करने के लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर हिंदी में केवाईसी करना चाहते हैं या इंग्लिश में केवाईसी करना चाहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब जैसे ही दोस्तों वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक के एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे। अब केवाईसी के दौरान आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके मोहल्ले का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं और सारे सवालों का आपको सही से जवाब देना है। देन यहाँ पर आपका ओरिजिनल आधार कार्ड को चेकआउट करेंगे और आपका यहाँ पर पैन कार्ड देखेंगे, पैन कार्ड की आपकी फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। देन यहाँ पर ब्लैंक पेपर पर आपसे एक सिग्नेचर भी करवाया जाएगा। देन इसके बाद में सक्सेसफुल आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में इसकी वेलकम किट है वो आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर आपका सक्सेसफुल अकाउंट भी ओपन हो जाएगा और बड़ी इजीली के साथ में दोस्तों आप इसे यूज़ कर पाओगे। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो 500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, यहीं पर अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तब आपको यहाँ पर अकाउंट के अंदर 1000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा इसके अंदर आपको पैसा भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे इसकी वीडियो के वैसे को कंप्लीट करना है। तो अगर आपको पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ गई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।